जी स्टूडेंट्स, हम लोग 9.1 पे आते हैं। 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सजेसिमल मेजर ऑफ द एंगल इनटू रेडियंस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम क्या करेंगे, सेक्सजेसिमल मेजर को यानी कि इंग्लिश सिस्टम को, डिग्री मिनट सेकंड के सिस्टम को हम लोग चेंज किस में करेंगे, रेडियंस में। जी हाँ, रेडियंस में चेंज करेंगे। तो एक दफ़ा ज़रा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने 1 डिग्री किसके इक्वल रखा था स्टूडेंट्स, बताएं मुझे। हाँ, हमने रखा था पाई ओवर 180 रेडियंस के। इसी तरह से 1 रेडियन किसके इक्वल था, 180 डिग्री ओवर पाई के। अब मुझे बताएं, इन दोनों में से इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हम लोग करेंगे पाई ओवर 180 रेडियंस वाला, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। चलें अप्लाई करके देखते हैं। 30 डिग्री स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगर इस तरह से लिखें, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस के इक्वल होता है। तो 30 डिग्री क्या बन गया, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस। अब स्टूडेंट्स ये नीचे कैंसिल हो जाता है, तो 30 डिग्री स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 6 ऑफ रेडियंस के। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया है सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम लोग आगे 45 डिग्री को लेके चलें, तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे उसको, 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस के। स्टूडेंट्स 45 डिग्री 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस, तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया नीचे। तो 45 डिग्री स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 4 ऑफ रेडियंस के। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का भी सलूशन आ गया है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है। अगर हम 105 डिग्री को लेके चलें, 105 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री स्टूडेंट्स पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस के इक्वल होगा। 105 डिग्री स्टूडेंट्स ये बन गया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ये देखें, अब ये 105 डिग्री अगर नीचे कैंसिल होता है तो कर दें, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट्स ये 3/4 आ जाता है, 3 पाई बाय 4 रेडियंस। ये कैसे पता चला हमें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 35 करें तो वो कितना हो जाता है, 105। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 35 करें तो वो कितना हो जाता है, 180। तो वो 35 हम नीचे कैंसिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके 35 डिग्री, अब यहाँ पे देखें, हमने डिग्रीज के लिहाज से लेके चले, अब हम डिग्री के साथ मिनट को भी लेके चलते हैं। अगर डिग्री में मिनट आ जाएं तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 35 डिग्री 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, 35 प्लस 20। जी स्टूडेंट्स 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो फिर 1 मिनट में कितनी डिग्रीज हो गई, 1/60। जी हाँ, तो ये कितना बन गया, होल डिग्री। मतलब मैं यहाँ पे इस तरह कह सकता हूँ, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ डिग्री, 35 डिग्री 20 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स नीचे, 35 डिग्री 20 मिनट। इसका बच्चों एलसीएम ले लें, वो मेरे पास कितना आ जाता है, 3। अब ये कितना बन गया, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज 105। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या बन जाता है, 35 डिग्री 20 मिनट्स, 106 डिवाइडिंग बाय 3 ऑफ डिग्री। जी स्टूडेंट्स अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये वाली टर्म 3 पे डिवाइड होती है या नहीं, बड़ा आसान सा शॉर्टकट है, आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करें।
ये क्या बन गया 1 + 0 + 6 विच इज 7। क्या 7 3 पे डिवाइड होता है? नहीं, ये तो नहीं डिवाइड होता। तो इसका मतलब 106 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 35 डिग्री 20 मिनट 106 3 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस, क्योंकि 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं, अगर ये नीचे कैंसिल नहीं होता तो कोई मसला नहीं है। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 35 डिग्री 20 मिनट 106 पाई ओवर 540 ऑफ रेडियंस। जी हाँ बिंगो, ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर हम लेते हैं मिनट और सेकंड्स को भी तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे उसको 35 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड्स, बिल्कुल सेम उसी तरह से 75 + 6/60। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। मैंने आपको बताया था कि आप डिग्री को एक घंटे की तरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया 3600 ऑफ सेकंड्स, तो वो कितना बन जाता है टोटल डिग्री में। तो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, जो 1 मिनट है वो होगा 1/60 ऑफ डिग्री, जो 1 सेकंड है 1/3600 ऑफ डिग्री। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलसीएम लें विच इज़ 120, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका मतलब 1 को 120 पे अगर हम करें डिवाइड 120 को 1 पे तो वो क्या आता है एग्जैक्टली 120। इसका मतलब 75 को हमने अब मल्टीप्लाई करना है 120 से, वो कितना आ जाता है 9000। 120 को 10 पे डिवाइड करें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, ये तो 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो गया 9013/120 ऑफ डिग्री। जी स्टूडेंट्स अब यहां पे हमने इसको किस में चेंज करना है? रेडियंस में। उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। वन ट्वेंटी को स्टूडेंट्स अगर हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बन जाता है 21600 ऑफ रेडियंस। जी हाँ स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया है आंसर। स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज में 2 एग्जांपल्स हैं, चलें उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, उसमें क्या कहता है कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 ऑफ सेकंड्स टू डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है? डेसिमल फॉर्म ऐसी फॉर्म, ऐसा नंबर जो 10 का डिवाइजर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। जी हाँ, इसका मतलब इसके डिजिट्स कितने हो गए 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब इसको हमने नंबर्स की शक्ल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म जो हम डेली लाइफ में नंबर्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? डेसिमल फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह मैंने लिखा 120 क्या है? डेसिमल फॉर्म है। चलें बच्चों इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 18 डिग्री 6 मिनट 21 ऑफ सेकंड। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे 18 + 6/60 = 21/3600 ऑफ डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाता है 0.1। इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 0.005833 ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स अगर इनको हम ऐड करें, यू कैन यूज कैलकुलेटर आल्सो, तो वो क्या बन जाता है 18.105833 ऑफ डिग्री। जी ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है?
डेसिमल फॉर्म, बिल्कुल सेम। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है, कन्वर्ट 21.256 ऑफ डिग्री टू द डिग्री मिनट सेकेंड्स, इसका मतलब इसको हम इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ, अब ये क्या बन जाएगा, 21.256 ऑफ डिग्री, बिल्कुल ठीक, 21 को हम सेपरेट करेंगे, ये डिग्री हो गया। अब ये बच्चों क्या बनता है, 0.256 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो यही चीज़ बनती है। जहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा तो हम डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट, हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मिनट्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्वेंटी वन डिग्री, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाता है, 15.36 ऑफ मिनट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम इसको भी सेपरेट कर दें, 0.36 मिनट के बाद बच्चों क्या आता है, सेकंड, बिल्कुल ठीक, 256 ऑफ डिग्री, 21 डिग्री, 15 मिनट, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 21.6। अब सेकंड से नीचे हम नहीं जा सकते इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो वो कितना बन जाता है, 22 ऑफ सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स जब आपने सॉल्यूशन को लिखना है तो आप दरमियान में से ये बेसिक साइन ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेयर ऑफ एंगल्स। रेडियन मेयर ऑफ एंगल से मुराद क्या है, रेडियन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, जिसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनटू द मेयर ऑफ सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, डिग्री मिनट सेकेंड्स वाला, इसको और क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। जी हाँ, हमने थोड़ी देर पहले कुछ फार्मूले पढ़े थे, कुछ कन्वर्जेंस पढ़ी थी कि हम 1 डिग्री को पाई ओवर 180 में भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है। इसी तरह जब हमने रेडियंस को डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसका अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री ओवर पाई। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पाई बाई 8, हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है या रेडियंस में दिया हुआ है। एक बड़ा इसका शॉर्टकट था, ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में पाई यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो रेडियन सिस्टम है, अगर क्वेश्चंस में डिग्री मिनट या सेकंड इनमें से कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या है, इंग्लिश सिस्टम। तो पाई बाई 8, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के, तो पाई बाई 8 बच्चों क्या बन गया, पाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 180 डिवाइडिंग बाय 8, जी हाँ ये बन गया 22.5। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने पॉइंट्स में डिग्री को नहीं लेना उस वक़्त तक जब तक हमें डेसिमल सिस्टम का नहीं बोलेगा, तो इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसको हम मिनट में लेके जाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, पाई बाई 8 22 डिग्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों क्या आ जाएगा, 30 मिनट्स। जी हाँ, ये हमारा आ गया है इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, पाई बाय 6, बिल्कुल सेम बच्चों उसी तरह करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर कैंसिल होगा, तो पाई बाय 6 बच्चों किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। ये तो बहुत इजी था, इस तरह के बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपका होम टास्क है। पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या बनेगा, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई को पाई से कैंसिल करें, ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी बहुत इजी था, इसका मतलब ये तो 45 डिग्री आ गया।
स्टूडेंट्स, अगर हम 3π/4 को लेके चलें, 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, यू कैन पुट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3π/4 3 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज 540 डिवाइडिंग बाय 4 विच इज 135, इट मीन्स के ये क्या बन गया, 135 ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें 19π/32, तो क्या करेंगे हम 19π/32 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, बिल्कुल उसी तरह से पाई को पाई से कैंसिल करें, 19 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज 3420। अगर इसको हम 32 पे डिवाइड करें तो वो आ जाता है 106.875। स्टूडेंट्स अब बताएं इससे आगे क्या करना है, बिल्कुल ठीक, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब मिनट में मल्टीप्लाई बाय 60। जी स्टूडेंट्स 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 52.5, इट मींस के 52 मिनट्स। अब डेफिनेटली मिनट के बाद क्या आता है, जी हाँ सेकंड्स, तो इसका मतलब 0.5 को हम सेपरेट कर देंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया 19π/32, 106 डिग्री, 52 मिनट, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30 ऑफ सेकंड्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए, 9π/5, बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह से करेंगे, 180 डिग्री ओवर पाई, पाई को कैंसिल करें, अगर ये कैंसिल आउट होता है तो कर दें 180 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडिंग बाय 5, तो ये आ जाता है 324 ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री के बाद कोई भी डेसिमल मौजूद ना हो तो उसको मिनट में कन्वर्ट नहीं करना, क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर मिनट के बाद पॉइंट्स आ रहे हों तो फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अगर पॉइंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब वहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया। अगर आप इस पे फोकस करें, यहाँ पे डिग्री था, पॉइंट मौजूद नहीं था, क्वेश्चन कंप्लीट, इसमें देखें मिनट के बाद पॉइंट मौजूद नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट, इसमें देखें मिनट के बाद पॉइंट आया था इसलिए हमने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। फर्ज कर लें अगर सेकंड में भी पॉइंट आ जाए, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 की, उसमें हम क्या करते हैं 21.5 ऑफ सेकंड्स आया था, उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स 25π/36 इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ऑफ पाई, बिल्कुल उसी तरह से पाई को पाई से कैंसिल करें, ये ऊपर कैंसिल हो जाता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 125 ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है इसमें 3 ऑफ सेकंड्स, स्टूडेंट्स 3 सेकंड्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसके अंदर तो मिनट वगैरह मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जरा रिमाइंड करते हैं पीछे से, एक डिग्री को हमने एक घंटे का नाम दिया था याद रखने के लिए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, जी हाँ, तो अब तो सेकंड से डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक 3600 पे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया 3/3600 ऑफ डिग्री। अगर कैंसिल होता है तो कर दें, अगर कैंसिल नहीं होता तो कोई ज़रूरत नहीं, अब डिग्री है तो क्या करेंगे पाई ओवर 180 ऑफ रेडियंस।
जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक समझे। ये तो क्वेश्चन नंबर वन का आखिरी पार्ट था। इसको मैंने टू में क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको होम टास्क देना है। जी हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और टू के रिमेनिंग पार्ट्स खुद। जी हाँ, और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर थ्री और फाइव, क्योंकि वन और टू तो हमने ऑलरेडी कर ली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में स्टूडेंट्स क्या कहता है वो, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ठीक समझे। अब बारी है अपनी वॉच को देखने की। तो देखें ज़रा अपनी वॉच को, आपकी वॉच में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर वॉच में देखा जाए तो वो तो 12 होते हैं सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ तो 4 बजे आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ही ये चीज़ बन गई। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस एंगल को फाइंड करने में। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कर लें कि हम थीटा ले रहे हैं रिक्वायर्ड एंगल को, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम ले रहे हैं थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि घड़ी के 2 घंटों के दरमियान कितने डिग्री होते हैं। बहुत इजी है, आप ये देखें आपके पास वॉच में टोटल कितने घंटे हैं? 12। तो सर्कल में अगर देखा जाए तो कितने डिग्रीज होते हैं? 360। जी हाँ, तो इसका मतलब 12 किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री के। अब ये 12 आवर्स है ना, अगर मैंने 1 आवर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करें तो क्या बनता है? 30 डिग्री। जी हाँ, तो इसका मतलब 12 और 1 के दरमियान जो घड़ी में एंगल बनता है वो 30 डिग्री होता है। इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान मज़ीद 30 डिग्री, 2 से 3 के दरमियान 30 डिग्री, 3 से 4 के दरमियान 30 डिग्री। तो फिर इन सब को ऐड करें, वो कितना बनता है? 120। जी हाँ, अगर आप ये गौर करें, ये क्या बन रही है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। तो यहाँ पर क्या थे? देखें 12, 3, 6, 9। तो यहाँ पर क्या बज रहे हैं? 4। अगर 3 से 12 के दरमियान 90 डिग्री एंगल है और 3 से 4 के दरमियान 30 है, दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है? 120। जी हाँ, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें आगे तो थीटा इज इक्वल टू, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं, घड़ी के टोटल घंटे 12 होते हैं, सर्कल की जो रोटेशंस होती हैं 1 रोटेशन, उसके अंदर कितने रेडियन होते हैं? 2π रेडियन, और डिग्री कितने होते हैं? 360। आप अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। हमने क्वेश्चन का जो थीटा लिखना होगा वो हमेशा रेडियन में लिखना होगा। अगर हम डिग्री में लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन लेंथ ही बनेगा। इसका मतलब उसको दोबारा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली 2π लिख दें तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2π रेडियंस। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री 2π रेडियन के इक्वल होता है। इनको कैंसिल करें तो ये कितना हो गया? 2π/3 ऑफ रेडियंस। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब अगर आप लोग इसको रफ वर्क में करना चाहते हैं कि क्या हमारा ठीक हुआ है या गलत, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यू कैन पुट हेयर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज़ 360, 360 डिवाइडिंग बाय 3 विच इज़ 120।